नमस्कार दोस्तों जय हिंद मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में आज है 13 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है वेन इज वर्ल्ड आर्टिस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड तो वर्ल्ड आर्थि डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं तो ये हम लोग हर साल 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं आर्थिस्टिक डे से कहने का मतलब अगर हमारे बॉडी में किसी भी जॉइंट्स में आपको दर्द होता है तो उस उस बीमारी को हम लोग उस कंडीशन को आर्थिस्टि कहते हैं तो बेसिकली ये जो डे है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि रेज किया जा सके अवेयरनेस अबाउट द कि जैसे कि आपकी एक कंडीशन है जिसमें आपकी पेन दर्द और स्टीफनेस होती है आपके ज्वाइंट्स में और ये एजेस के साथ और ज्यादा खराब होने लगती है और ज्यादा प्रॉब्लम करती है तो ये जो डे है वो स्टेटेड किया गया था बाय एंड आर्थिस्टिंग इंटरनेशनल 1996 में

तेरा फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल जीते हैं और साथ ही साथ बीस वह हो गया इनका ग्रैंड स्लैम टाइटल अगर विमेन की बात करें तो विमेन्स में आएगा स्वेटिक जो कि पोलैंड के रहने वाली है उन्होंने एक हिस्टोरिक विन अपने लिए क्लेम की है और इसी साथ वो बन गई हैं। टाइटल इन द हिस्ट्री ऑफ सब कहने का मतलब वो सबसे को, जो से करती हैं और अगर आपके मेंस डबल की बात करें तो मेंस डबल के विनर हैं केविन क्रेविड और एंड्रियाज माइस जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं वही अगर वीमेन की बात करें तो वीमेन्स डबल के जो विनर हैं वो है आपके टैमिया बाबोस और क्रिस्टीनिया मतलब डोवेनिक अगला सवाल है हु लॉन्चेज द स्वामिता स्कीम तो स्वामिता स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है तो यह लॉन्च की गई है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है आपका आ, समाविता जिसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया जिसका कहने का मतलब है कि जो भी गांव इलाका है विलेज एरिया है उनकी ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वे की जाए और उसमें टेक्नोलॉजी की थोड़ा सा एडवांसमेंट की जाए ठीक है तो ये आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड होगी इस, इस स्कीम के अंदर में ये जो स्कीम है आपकी स्ट्रेंथ की जाएगी फॉर द पंचायती राज सिस्टम जो कि एफर्ट करेगी आपके जो पिछले छह साल है उसको और ज्यादा डेवलप करेंगी ठीक है इस आपके स्कीम के द्वारा जो विलेजर्स है वो यूज कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी एज ए फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन मतलब लोन लेने में या फिर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी उन लोगों को तो इसके लिए आपका खास है स्कीम और ये बेसिकली आपके छह स्टेट में अभी लागू किया जा रहा है पहला फेज है जैसे कि उत्तर प्रदेश हरियाणा मध्य महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तराखंड और कर्नाटका अगला सवाल है वेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेट तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं तो ये हम लोग ये इंटरनेशनल डे हर साल 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं ये सेलिब्रेट करने का मेन मोटो यही है कि जो भी दुनिया भर में विश्व भर में गर्ल चाइल्ड जो आपकी बेटी होती है उसको बचाने के लिए उसके लिए होती है क्योंकि जैसे कि अभी कंडीशन चल रहा है कि लोग जो भी पेरेंट्स है वो बेटी नहीं चाहती है बेटा चाहते हैं बेटी को मार देते हैं तो उसी लिए जैसे हमारे भारत में हमारे भारत में चलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी वही आपके उसी के अंतर्गत में ठीक है तो ये आपका इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है और जो जो इस बार की थीम रखी गई है वो है आपकी माई बॉयज आवर इक्वल फ्यूचर अगला सवाल है हु इज द विनर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ग्रैंड प्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी एफ ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है तो ये आवर लेविस हैमिल्टन जी हैं लेविस हैमिल्टन की बात करें तो आपके मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के ड्राइवर हैं जिन्होंने जीत लिया है ट्वेंटी ट्वेंटी एफल ग्रैंड जो कि हुई थी नरविंग नवग जर्मनी में इसी के साथ ये इनका इस सेशन का सातवां जीत है और अपने पूरे करियर का नाइनटी फर्स्ट इक्नवा आपका इनका करियर विक्ट्री है जो कि अब आपका अचीव किया गया था ओनली द वन एंड ओनली लेजेंड माइकल शुमाकर के द्वारा तो अब ये उनके लेवल में आ गए हैं तो जो सेकंड प्लेस है वो है मैक्स वर्सापेन और थर्ड प्लेस आए हैं डेनियल रिचार्डियो डिकी कार्डियो जी अगला सवाल है ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडियन ब्रांड ट्रांसफॉर्म तो एक इंडियन ब्रांड है ट्रांसफॉर्म तो इसके ब्रांड एम्बेडर किने चुना गया है ये चुना गया है चेतन आनंद जी को चेतन आनंद की बात करें तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट रह चुके हैं बैडमिंटन प्लेयर हैं तो इन्हों इनको एज अ नेम किया गया है ट्रांसफॉर्म का ब्रांड अम्बेजर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो ट्रांसफॉर्म आपकी एक इंडिया की पहली एवर का आपकी कोई कंपनी है जो आपकी प्रोफेशनल किट्स वगैरह या फिर प्रोफेशनल आपके बैडमिंटन ब्रांड है ठीक है तो इसके लिए जो भी अभी तक जो हम लोग रैकेट यूज किया जाता था, था, था आपके बैडमिंटन के लिए तो वो बाहर से आते थे जैसे उसकी कुछ मस्त ब्रांड थी कहने का मतलब आपके हाईलाइटेड ब्रांड थे योनेक्स तो अब ये इंडिया में बन रही है और उस कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्म और ये जो आपका ट्रांसफॉर्म रैकेट है ये बनाई जाएगी मिलिट्री ग्रेड ग्रेफाइट से ये उसमें मेटेरियल यूज किया जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है आपका आत्मनिर्भर आत्म भारत के लिए भी अगला सवाल हु गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2020 तो इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया 2020 का ये दिया गया है मिलग्रॉम और विल्सन जी को दो लोगों को दिया गया है तो जो रॉयल स्वेडिस अकेडमी ऑफ साइंस है उन्होंने डिसाइड किया है कि सर्विक्स रिस्क रिक्स बैंक है वो दिया जाएगा फॉर द इकोनॉमिक साइंस ठीक है और जो कि आपका इन द मेमोरी ऑफ अल्फर्ड नोबेल को के लिए दिया जाता है तो यहाँ के ये बैंक की जो अवार्ड है वो अवार्ड इनको दिया इन दोनों को दिया जाएगा इनका पूरा बता दें तो पॉल आर मिलग्रॉम है और रॉबर्ट बी विल्सन है जिनको ये नोबेल प्राइज दिया, दिया जा रहा है फॉर द इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स जो भी ऑक्शन होते हैं उसमें उन्होंने थ्योरी को समझा है और उसका एक नया फॉर्मेट तैयार किया अगला सवाल है तो जगन्ना स्कीम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा तो आंध्र प्रदेश के जो सी एम है आपके वाई एस जगन मोहन रेड्डी उन्होंने एक ने स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है जगन्ना विद्या कनुका जिस स्कीम के तहत जो भी पुअर किड्स हैं पुअर चिल्ड्रन है उनको आपका स्कूल किड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जैसे कि बैग्स हो गए आपके शूज हो गए ड्रेस हो गए एंड बुक्स ये सारा उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इसके लिए जो स्टेट है वो स्पेंड कर रही है लगभग सिक्स हंड्रेड फिफ्टी करोड़ रुपीज इस स्कीम में और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि लगभग फोर्टी टू लैख थर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू किड्स अब तक पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है आंध्र प्रदेश के द्वारा और आंध्र प्रदेश तो सीएम है जगनमोहन रेड्डी वो इसी तरह से न्यू न्यू स्कीम के साथ आते रहते हैं यहाँ के जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंदन अगला सवाल है विच गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के लिए किस सरकार ने अप्रूवल दे दिया है तो यह दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अब मैं आपको बता दू ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी क्या है तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी ये है कि जैसे सपोज कीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वहां पे कोई आपका कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे कुछ काम बनने जा रहा है कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो उस केस में वहां की जो ट्रीज है उसको टोटली आपका कट डाउन किया जाता है मतलब उनको खत्म कर दिया जाता है तो इस केस में जो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अपने तरह का और भारत का पहला यूनिक है आपका फीचर काइंड लाया जा रहा है कि जो भी आपका ट्रीज है उनको फेल्ड नहीं किया जाएगा कहने मतलब काटा नहीं जाएगा उसको अच्छे से अपरूट किया जाएगा मतलब जड़ के साथ साथ उसको निकाला जाएगा और और ही उसके बाद फिर उस पेड़ को ले जाकर कहीं और प्लांट कर दिया जाएगा इससे क्या होगा आपका प्लांटेशन जो भी है वो खत्म नहीं होगा तो इस जैसे कि वहां पे दिल्ली बड़ी शहर है बहुत तो वहां पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट होते रहते हैं तो पेड़ कटते रहते हैं तो लगभग 80 परसेंट ट्रीज हर साल कटते हैं ठीक है तो उसके लिए अभी जो 80 परसेंट उसमें भी कमी आएगी साथ ही साथ जब कंस्ट्रक्शन साइट पूरा हो जाएगा तो इनका कहना है कि आप 10 परसेंट ट्रीज भी वहां पर प्लांट करें तो ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है दिल्ली के इन्वर्मेंट के लिए अगला सवाल है हु बिकेम द फिनलैंड प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डे तो फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए किन्हीं चुना गया है या फिर किन बनाया गया था तो यह बनाया गया था आवा मुटो जैसा कि हमारे भारत में एक मूवी है अनिल कपूर जी की बहुत फेमस है कि एक एक दिन दिन का 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 सीएम तो उसी तरह से इनको एक दिन का, वहां का प्रधानमंत्री बनाया बनाया गया बनाया गया क्यों क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ चिल्ड्रेन होती है आपकी आ, तो उसके लिए ही औरतों का या फिर महिलाओं का सम्मान करने के लिए गर्ल चाइल्ड का सम्मान करने के लिए यह सोलह वर्षीय लड़की इसका नाम है आवामुटो उसको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था फिनलैंड का ठीक है तो बेसिकली इसका मेन मोटिव यही था कि गर्ल्स इंपावरमेंट बढ़ाई जाए और गर्ल्स को भी वो जिम्मेवार संभाल सकती है ऐसा कुछ करके तो मोटो आपकी एक फिनलैंड के साउथन फिनलैंड के छोटे से गांव से बिलोंग करती है जिसका गांव का नाम है वाक्सी तो अगर वहां के अगर ओरिजिनल पीएम की बात करें तो वो है आपका सन्ना मरीन तो ये बहुत अच्छी चीज थी तो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया आई होप इस आपके लिए हेल्पफुल होगी आज के लिए बस इतना ही थैंक यू